रेलवे के द्वारा किसानों की भूमि अधिग्रहण करने के मामले में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने आज प्रशासन को खुली चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा है कि अगर 15 अगस्त तक किसानों की मांग पूरी नहीं की जाती तो 19 अगस्त को भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता प्रशासन से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। उनका कहना है कि 8 जुलाई को प्रशासन ने मामले के निपटारे के लिए 15 अगस्त तक का समय मांगा था, जिस पर भारतीय किसान यूनियन तैयार हो गई थी, लेकिन अभी तक कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। इसलिए अगर 15 अगस्त तक मांगे नहीं मानी जाती हैं तो 19 अगस्त को भारतीय किसान यूनियन बड़ा आंदोलन करेगी। हमने प्रेस आज इसलिए करी कि 8 जुलाई को हमारी गुड़ मंडी मंगलोर में किसान यूनियन की महापंचायत हुई थी, जो रेलवे के किसानों, जो 4 गांव और बिस्तीपुर किसानों का धरना चल रहा था उसके संबंध में, तो वहां अधिकारियों ने, जो हमारे AIDM थे और SP देहात थे, उन्होंने ये टाइम मांगा था 15 अगस्त तक, कावड़ मेले के बाद में 15 अगस्त तक हम इनकी समस्याओं का समाधान कर देंगे चौधरी साहब और राकेश टिकैत जी साहब। तो हमने अभी यह कि भाई वो कावड़ मेला भी सकुशल संपन्न हो गया और आज 4 तारीख होली, अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं आया। 15 तारीख तक का टाइम उनके पास है, समय रहते हुए इन किसानों की समस्या का समाधान कर दे। रणनीति है कि जो जिस तरह 10 किलोमीटर का टुकड़ा, जिस तरह 7 किलोमीटर को मुआवजा दिया, जो विवादित 3 किलोमीटर का क्षेत्र, इसे भी ऐसे ही मुआवजा दे दिया जाए। लाइव उत्तराखंड के लिए रुड़की से संदीप चौधरी की रिपोर्ट। उत्तराखंड की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव उत्तराखंड और बेल आइकन दबाना ना भूलें।